अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज, जहाँ से कल छोड़ी थी उत्थी करने स्टार्ट। वाह 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 वाह। अच्छा जी, मैं ना ये जो आपको इतने बड़े बड़े थैले बैग दिखा रही थी, इसमें सारा खाने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, स्पोर्ट्स, सारा कुछ हम उठा के लेके जा रहे हैं। पार्क प्लट्स ग्रिल प्लट्स ली हुई है, जैसे होती है ना, जैसे एक क्या कहते हैं, जैसे ग्राउंड टाइप कह लें, कुछ कह लें, मैं अभी आपको एरिया वो दिखाती हूँ। तो वो लेते हैं किराए पर, जैसे फैमिली ना, तो फिर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ अपना अपना खाना लेके जाते हैं। हर ईद पर ना हमारा अलग ही मेन्यू होता है, कभी होती है ग्रिल करनी, के बारबेक्यू करनी होती है, कभी अपना अपना खाना लेके जाना होता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हर दफ़ा ना हमारा अलग ही होता है। तो इस दफ़ा अपना अपना खाना लेके जाना था, अपनी मर्जी का, जो जो आपके बच्चे खाते हैं उस हिसाब से बनाना था। मेरे बच्चे जो खाते हैं आपको पता ही है, मैंने शादी वाला सालन बनाया था, तो जो उन्होंने खाया, बट उन्हें कोई नहीं खाया, क्योंकि वापसी पे उनको ये था कि चले, क्योंकि उठते ही मतलब सुबह जब थोड़ा सा नाश्ता किया ना, जो मैंने खीर बनाई थी वो खाई, उसके बाद जाके आपको पता है बच्चे खेल में लग जाते हैं ना, तो आफिया खान को भूख लगी थी, उनको मैंने दिया था। खैर माशाल्लाह, ये नहीं है कि जो मैं लेके जाऊंगी वही खाएंगे, जो सब पड़े हैं वो सब एक दूसरे का खा रहे होते हैं खाना, ऐसा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, जाके मैं आपको सारा सेटअप दिखाती हूँ, क्योंकि ईद ना, सही बात है, जब हम छोटे थे ना तो हमारी माएँ कहती थी ईद तो बच्चियाँ दी वड्डियाँ दी की ईद है, तो ये वाली बात ना अब हमें पता चलता है कि वाकई ईद तो बच्चों के, हम ना सफाइयाँ सुथराइयाँ में लग जाते हैं, और ईद तो बाकी इनकी होती है। सेकंड डे जाके थोड़ी सी होश आती है कि हाँ हाँ ईद वे तो ये करना है, घर में करना है, क्योंकि आपने कहीं ईद वाले दिन जाना होता है ना, फिर वही बंदा तैयारी शारी करते ना, टाइम निकाल देता है। और जब सेकंड डे होते हैं ना, फिर हमारी तरफ तो वैसे बच्चों के स्कूल लगे हुए हैं, तो वो तो बेचारे सुबह उठ के स्कूल चले गए, और मेरी दूसरे दिन थकावट ही नहीं खत्म हुई। मुझे ये था सेकंड डे हम ना अक्सर अपना करते हैं घर में कुछ ना कुछ, तो वो हुआ ही नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल थे, तो आते उन्होंने 4-5 बजे घर आना था, तो कोई ऐसा सीन हुआ ही नहीं है। तो इस दफ़ा ना ईद, दूसरे दिन वाली ईद जो ना, जैसे टरू मरू, वो हमारा ऐसे फ्लॉप ही हुआ है, कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि पहले मेरी तो अकेली थी घर में, पहले दिन वाली थकावट ही खत्म नहीं हुई, और ऊपर से जो सेकंड डे हुआ है ना कुछ मेरे साथ, मैं आपको एंड में जाके आपको दिखाती हूँ हुआ क्या है, कि जो थकावट डबल मेरी कैसे हो गई। मैं नॉर्मल वो ईद के दिन पहले, एक दिन पहले सफाइयाँ सफाइयाँ कर लेते हैं ना बंदा, तो फिर बंदा आराम से 2-3 दिन ईद के गुजार लेता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, बल्कि ईद के दूसरे दिन मुझे ज़्यादा काम करना पड़ा, वो भी सफाइयों वाला। तो वो मैं यहाँ से ना ज़रा सैर सपाटा करके खा पी घर चलने हैं, फिर मैं आपको स्टोरी एंड पे दिखाऊंगी कि क्यों मुझे डबल दोबारा काम करना पड़ा है। तो अभी पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारे इतने ये घर के काफ़ी दूर था, 70-75 किलोमीटर, पता नहीं इतना ही कहते हैं। मैं जब भी बैठती हूँ गाड़ी में, पहले यही पूछते हैं कितना सफ़र में है, बच्चों से भी ज़्यादा पहले पूछती हूँ, क्योंकि आफिया फान को होता है कितना कराया गया, वो ये नहीं कहते कितनी दूर है, कितना फासला, वो कितना कराया गया, वो हर 10 मिनट बाद उन दोनों के ये सवाल पीछे से आते हैं, बाबा कितना रह गया है, कितने का रह गया है, उनके सवाल ऐसे ही होते, कितने का रह गया है। तो ये देखे जंगल में मंगल, मंगल में जंगल, यहाँ पे है जगह, वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो अब हमने आपको सबने यहाँ पे ला के शिफ्ट कर दिया, अपना अपना चीज़ें निकाल के गाड़ी से। तो अभी लुकमान साहब, पता नहीं अफान साहब को क्या दिखा रहे हैं, क्या ये सारी इसकी आज लुकमान अफान की ना जो भी स्टाइलिंग आप देखेंगे, इसके कपड़ों शपड़ों की सारे इसके भाई ने किए हैं, इसके हेयर, इसके नारों मैंने शर्ट्स की ना बाहर ही निकाल देती, लेकिन उसको घर से उसने अंदर डाली थी, उसको फुल भूख लगी है। तो ये सारी आज की इसकी जो ड्रेसिंग स्टाइलिंग है, इसके भाई ने की थी, आज उसका वो वाला मास्टर बना हुआ था। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है, ताकि आपको पता लगे हम क्या क्या बना के लेके आए। वही बात के कोई स्पेशल नहीं है खाना, रेगुलर खाना हमारे घर का जो होता है वही हम बना के लेके आए। मैं दही भले ढेर सारे बना के लेके आई, पापड़ी अच्छी सारी ऊपर तूड़ी है फ्रेश बना के लाई थी, अलग से पैक करके, ताकि फ्रेश फ्रेश, क्योंकि अगर मैं घर से डाल आती ना वो नरम हो जानी, तो ये देखें। तो अभी मेरे पास और भी काफी पड़े, मैं फुल फुल डब्बा भर के लाई थी ताजी बना के। तो सैलेड है साथ में, आपको साथ साथ दिखाती हूँ, सलाद लेके आई हूँ, ये मैं स्पेशल मिशाल के लिए बना के लेके आई, मुझे पता कुछ खाए ना खाए, चलो बंदे ना सलाद तो खाए, लेकिन कुछ को बड़ा पसंद है घर में भी, कुछ खाए ना वो सलाद खा लेती है खुद ही काट के। तो बिरयानी 2 किस्म की बनी हुई थी, चिकन की भी थी, मटन की भी थी, बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी थी। साथ में अभी आपको और क्या दिखाती हूँ, अभी मैं दिखाती हूँ छोटे छोटे एक तुर्किश खाने भी थे, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन पाकिस्तानी खाने मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी मुझे लगता है गोश्त ही है, सालन है गोश्त का, कि ईद के दिन
आपको पता है ये तो बनता ही बनता है ना, ऐसे हो नहीं सकता कि गोश्त ना बने, तो और कुछ बनाए ना बनाए। तो मेरी सिस्टर है पाकिस्तान में, उसको जैसे उसने कल पूछा ना क्या बनाया, तो मैंने भी आगे से वही बात की कि मैं दाल, वो आगे उस मुझे कह रही मैं ना आज मूंगी मसूर की दाल बनाई है, बाजी ईद के दिन क्या बनाते हैं। तो ये बात है कि ईद के दिन यही चीजें होती है, वही हमारी जो बेसिक है वही बनानी होती है। तो मटर वाले चावल थे, साथ रोस्ट था, चिकन रोस्ट था, और साथ में शीख कोरमा बना के लेके आई थी, ठंडे वाला फिर ठंडा यख करके मैं लेके आई थी ना। तो भी ना हुआ कुछ यूं कि कुछ खा रहे थे खाना, कुछ नहीं खा, जैसे जैसे किसी को भूख लगनी थी वैसे वैसे खा रहे थे, क्योंकि कुछ हैवी नाश्ता करके आए थे, उनको भी भूख नहीं लगी थी। तो मेरे मियाँ को लग गई भूख, तो मैंने उनको दिया खाना कि आप खाएं, तो वो खा रहे साथ, थोड़ा सा मैंने भी इनका साथ दिया था। मैंने कहा ये ना समझे मैं अकेले ही बैग खा रहा है। तो खाना खाने के बाद सब हो गए मसरूफ, सब बच्चे माशाल्लाह अपना अपना खेलने लग गए, कोई फुटबॉल लेके आया था, मेरे घर में सारी चीजें ले, चिड़ी छिका भी लेके गए थे, बल्ले भी लेके गए थे, बाल भी लेके गए थे, पूरी टोटल सारा सामान ना गाड़ी में इनका ही था। तो अभी खाना शाना खा के सब आराम से बैठ गए हैं, तो अभी ना आइसक्रीम वाली वागन आएगी, उसको फोन किया है, क्योंकि माशाल्लाह अफराद बहुत ज्यादा होते हैं ना, फिर ऐसे वो फोन करके उसको बुला लेते हैं, तो बच्चे हो जाते हैं खुश, क्योंकि ईद के दिन ये चीजें जो है ना बच्चों की फेवरेट होते हैं, वो इंतजार करते होते हैं कि अब खाना खा लिया वो कब आएगी कब आएगी। तो वो अभी उसकी इतना बड़ा हॉर्न बजाता है कि बच्चे भागते ऐसे जैसे ना जान नहीं आती, पाकिस्तान बारात बच्चे भागते हैं, बारात आएगी बारात आएगी, ऐसे यहाँ पे वैगन आई है तो बच्चे दौड़े हैं कि वाजी वाह आ गई है। तो अभी सबसे पहले लुकमा मान गया है, इसकी ड्यूटी लगाई कि आपने सबको लेके दो जो जो किसने लेना है। तो खैर देखते हैं अभी कि क्या लेके आते हैं, हमारे लिए भी लेके आए थे, खैर मतलब इतनी आज ठंडी थी, मज़े की थी, लेकिन मीठी इंतहा की थी। तो हम लोगों ने ना, मैंने और मेरे मियाँ ने तो एक ही लिया था खोगल, एक ही मतलब आइसक्रीम के ऊपर एक स्ट्रोक हमने हाफ, बल्कि उन्होंने खाए नहीं था, मुझे ही खाना पड़ा था। तो खैर बच्चे पहुँच गए अपने अपनी लाइन में लग गए माशाल्लाह। तो मिशाल मेरे तो तीनों ने लेके ही आए, मिल्क शेक लेके आए, तीनों ने आइस ली ही नहीं है, सिर्फ आइस में लुकमान खाता नहीं, उसने ली नहीं, और इन तीनों ने मुझे लगता है वनीला का डबेर का जो भी इन्होंने अपना अपना मिल्क शेक लिया और वो पी रहे हैं। तो यहाँ पे ना अभी बाद में हम जो बड़े हैं वो पियेंगे चाय, चाय वो भी लकड़ियों वाली, लकड़ियां घर से लेके आए थे, तो हूँ आगू उबालनगे। मेरे जो जेठ हैं, ये मेरे जेठ नजर आ रहे हैं आपको, ये चाय बनाएंगे, बेचारे का हाथ भी सड़ गया, बड़ा ही भैड़ा बहुत ही बुरा हाथ जल गया था उनका, फिर उनके पास और कुछ है नहीं था, दही लगा ली थी, तो खैर चाय यही बनाते हैं बेचारे, तो बड़ी मज़े की चाय बनती है। तो लास्ट में इनकी बारी होती है चाय बनाने की, ये इनकी बारी नहीं होती, ये इनकी हर काम में बारी होती है, सारे काम करते हैं। तो अभी घर चलती हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्यों डबल काम कह रही थी। अच्छा ये देखिए, ये सरप्राइज़ आया मेरे लिए, सुबह उठी हूँ मैं 10 बजे, मुझे नहीं पता था, क्योंकि काफ़ी देर पहले रमज़ान से पहले मैंने बोला था कि मैंने फ्रीज़र लेना है, क्योंकि फ्रीज़र मेरे पास है, लेकिन बच्चे हैं ना तो उनकी वो अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इन्होंने कहीं सुन लिया, इन्होंने लुकमान से कहा कि ना मेरा ऑनलाइन मंगवा लिया था, तो वो आया 2nd डे 10 बजे, जैसे इतनी लंबी घर की बैल हुई मैं बाहर गई, वो कह रहे हैं आपका ना, मैंने कूल श्रंक जैसे ना फ्रीजर है, मैंने कहा नहीं हमारा नहीं, तो करवाया ही नहीं है, तो वो कह रहे नहीं आप कह लुकमान के नाम से, मैंने कहा हाँ हाँ तो हमारा ही है। फिर अंदर वो छोड़ गए हैं, जब ये उठे फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई सच्ची में, बड़ा मजा है, मेरी ईद होगी दुबाला 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 अंबाला जो भी। तो अभी ये ओपन कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा था कुछ सेट कहाँ करना है, क्योंकि जब मैंने ले रहा था मैंने किचन की कुछ सेटिंग शेटिंग ऐसे करनी थी कि मेरा फ्रीजर किचन में ही आ जाए, लेकिन अभी जल्दी में आ गया, तो अब मैंने रखा है यहाँ पे रखना है जहाँ खोल रहे हैं, फिर जगह बनाऊंगी ना फिर मैं सेट करूंगी। तो अभी फिलहाल मुझे इसको स्टार्ट करना था, तो ये ओपन कर रहे हैं, ओपन करके इसको मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा मसाला बड़ा अच्छा मिल गया, मैंने तो कोई नहीं प्राइस प्रूज पूछी, मैंने यह कि गिफ्ट गिफ्ट होंगे ना, हूँ मैं देखी कीमत पूछनी, खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके अंदर से जो आपको पता है चग बाहर निकल, उसके जो बूर पूरे घर में इन्होंने फेंके ऐसे ऐसे करके, फिर मुझे दोबारा घर की पूरी सफाइयां करनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से मैं बड़ी थक गई थी। तो अभी सेट करते हैं, सेट करके मैंने आपको दिखा दी किन्ने खाने ने, तो मतलब मेरे ख्याल में ना औरतें ऐसी चीजें देके घर की चीज कोई आती ना सच्ची में दिल खुश हो जाता है, खासतौर पर ऐसी चीज अगर आप मेरे मियाँ को अगर मैंने कान में बाल डाल दी ना सच्ची में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम अल्लाह तआला का फजल है कि ये ऐसे हैं, शुक्र अल्लाह का। मैं वो ना इसलिए शुक्र कहती हूँ कि नज़र ना लग जाए, कहते लग जाती है, लेकिन मैं बात कह दूँ ना वैसे ही मैं जिक्र कर दूँ तो मेरी चीज़ घर में आ जाती है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। तो अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखा रही हूँ, सबसे पहले मैंने ना शॉपर में सारा गंद बला जो है ना वो मैं निकाल के डालूँ, यहाँ पर बर्फ़ बननी है बड़े प्यारे इसके स्टू के नीचे गिरने हैं, तो अभी सारे इसको मैं खलारा शलारा संभाल लूँ, फिर मैं ओपन करके ना आपको दिखाती हूँ चीज़ें वगैरह रख रुख के, फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। जामजा की मुझे बड़ी अच्छी लगी, लाजिम बात है मेरी चीज़ें मुझे तो अच्छी लगनी है ना।
ये देखें यहाँ भी मैंने सेट कर लिए फिलहाल। अभी देखें कब मैं कहाँ इसको लेके जाती हूँ। ये देखें चीज़ें भी सारी मैंने रख ली हैं, बड़ी सेट करके ऑर्गेनाइज कर ली हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ये तीन खाने देख के कि मैं भी पाकिस्तान को बर्फ वाले कोले पर पर रखेंगी। रखने नहीं है, लेकिन मुझे ये कि इसमें डब्बे शब्बे बड़े एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है चीज़ें देख के। चले जी इतनी मैंने दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।